Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Good. Now start our class. First of all, which date is today? Tell me kids, which date is today? 8/9/2020. Which day is today? Tell me kids, which day is today? Tuesday. Spelling of Tuesday: T-U-E-S-D-A-Y. Tuesday. And our today's subject is English A. And classwork. Page number 19. The letter H. H for house. So kids, take this book, English A. Open page number 19. H. H for horse. Dress and write the letter H. First we make standing line, red to blue line. Sleeping line, first blue line. Standing line, रेड टू ब्लू लाइन एच. यहाँ हमें ट्रेस करके लिखना है एंड यहाँ हमें विदाउट डॉट के बनाना है. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. रेड टू ब्लू लाइन पे आपको फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन बनानी है, अगेन स्लीपिंग लाइन आपको फर्स्ट ब्लू लाइन पे बनानी है, अगेन स्टैंडिंग लाइन आपको फिर से रेड टू ब्लू लाइन पे बनानी है. ये हमारा आज का क्लास वर्क है. एंड टुडेज होमवर्क इज पेज नंबर 20. ड्रेस एंड राइट. यहाँ हमें ड्रेस करके एच बनाना है. रेड टू ब्लू लाइन पे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन फर्स्ट ब्लू लाइन एंड सेकंड स्टैंडिंग लाइन रेड टू ब्लू लाइन. यहाँ हमें ड्रेस करके लिखना है एंड यहाँ हमें विदाउट डॉट लिखना है. ये हमारा आज का होमवर्क है. जो अच्छे से होमवर्क करेगा मैम उसको स्माइली, आइसक्रीम और बिग बिग वाली स्माइल पे टिक करके देगी बुक में. ओके किड्स. सो किड्स लुक एट द बोर्ड. ड्रेस विद मी एच. यहाँ हम ड्रेस करके एच बनाएंगे एंड यहाँ हम विदाउट डॉट के एच बनाएंगे. फर्स्ट वी मेक स्टैंडिंग लाइन रेड टू ब्लू लाइन, स्लीपिंग लाइन फर्स्ट ब्लू लाइन, second standing line red to blue line. H. H for house. Standing line, sleeping line, standing line. H. H for head. Standing line red to blue line, sleeping line first blue line and second standing line red to blue line. H. H for horse. Standing line, sleeping line, स्टैंडिंग लाइन. एच. एच फॉर हाउस. यहाँ हम विदाउट डॉट के एच बनाएंगे. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. एच फॉर हाउस. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. एच. एच फॉर हाउस. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. एच. एच फॉर हेड. स्टैंडिंग लाइन, sleeping line, standing line. H for house. So kids, I hope you understood how to make H. Okay kids, bye bye.